हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। मेरे फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 102 है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 14.4 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक महारत्न PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें, इसमें सीनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट इज सीनियर ऑफिसर केमिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स तक रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेके ग्रेजुएशन करने के बाद केमिस्ट्री में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके BVTech में मिनिमम 65% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो और उसके साथ अगर BVTech में मिनिमम 65% मार्क्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रहा गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41 है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BVTech किए हो और उसके साथ अगर BVTech में मिनिमम 65% मार्क्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स तक रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और IT में से 4 साल का BVTech किए और उसके साथ अगर BVTech में मिनिमम 65% मार्क्स है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर पेट्रोलियम के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स तक रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएशन करने के बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी में से मास्टर्स किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आपके मास्टर्स यानी कि MEMTech में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर जियोलॉजिस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रहा गया है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग मैथमेटिक्स लेके ग्रेजुएशन करने के बाद जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर HR के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग पर्सनल मैनेजमेंट, HR और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से MBA किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर में से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर एनवायरनमेंट के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोग एनवायरमेंटल डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BVTech करने के बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से MEMTech किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके BVTech में मिनिमम 65% और अगर आप लोग MEMTech किए हो तो उस केस में मिनिमम 60% मार्क्स आपके MEMTech में होनी चाहिए। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स वाले इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। इसमें आप लोगों का पे स्केल
60,000 से लेके 1,80,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 60,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 1,20,000 पर मंथ यानी कि CTC 14.40 लाख पर एनम मिल जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली 1 ईयर के लिए आप लोगों को प्रोवेशन पीरियड पे रखा जाएगा और 1 ईयर प्रोवेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहा गया है। सिमिलरली SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और EWS कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को CVT के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग CVT में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। इसमें आप लोगों का जो CVT होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसका वेटेज 85% है और इंटरव्यू का वेटेज 15% रखा गया है। और CVT के लिए टोटल 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। उसके अलावा सिलेक्शन होने के बाद जॉइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोगों का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहा गया है 29 जनवरी 2024। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।